नमस्कार, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण योजना गणित की छोटा बड़ा की समझ बना सकें। ये कक्षा 3 की है, तो आपसे रिक्वेस्ट है फुल वॉच करें वीडियो के लिए, तभी आप सही से समझ पाएंगे। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जैसे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करना और अन्य साथियों के लिए वीडियो शेयर करना। तो करते हैं प्रारंभ, देख लेते हैं जो आपकी शिक्षण योजना है, ये 3 है, सप्ताह 1 अगस्त का, छोटा बड़ा के समझ बना सके। इसका समय रखा गया है 40 मिनट। तो इसमें क्या क्या है, पहले हम देख लेते हैं संसाधन। संसाधनों में हमें क्या, गेंद और अन्य जो प्रवेश की सामग्री हम ले सकते हैं, कोई भी, जो जिससे कि हम छोटा बड़ा में अंतर समझा सके। और नए शब्द बच्चों के लिए क्या हो सकता है, छोटा और बड़ा। आवश्यक पूर्व ज्ञान का होना चाहिए कि अपने प्रवेश की जो वस्तुएं हैं उनको बच्चे पहचानते हों, उनका नाम बता सकेंगे। इसके बाद सामान्य भूल क्या है कि बच्चे बातचीत में बिना सही अर्थ के छोटा बड़ा का उपयोग करते हैं। ठीक है, पहला स्टेप प्रारंभ होता है, ये इसका समय है 10 मिनट का। इसमें क्या करना है, परिचय। ठीक है, एक कविता हमें कविता के रूप में, कविता का हाव भाव के साथ वाचन करेंगे। कौन सी कविता है, रात में टिमटिम तारे करते तारे, लगते हमको कितने प्यारे, चंदा मामा बड़े निराले, घटते बढ़ते रहने वाले। ठीक है, पूछेंगे बच्चों से, क्वेश्चन पूछेंगे कि रात में आपने आसमान में क्या क्या देखा, इसका आंसर देंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तारों की तुलना में चांद का आकार कैसा है, इसका आंसर देंगे। और क्या चांद हर रात एक समान दिखता है, इसका भी आंसर देंगे। 2-3 बच्चों से उत्तर लेंगे। इसके बाद आता है अवधारणा निर्माण। इसका समय रखेंगे 20 मिनट। ठीक है, इसमें क्या करना है हमारे लिए, देख लेते हैं। नंबर 1, तो मेज पर 2 असमान आकार की गेंद रखें और बच्चों को बुलाकर एक को छोटी तथा दूसरे को बड़ी गेंद उठाने को कहें। पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, छोटी गेंद किसने उठाई है और बड़ी गेंद किसने उठाई है, तुमने कैसे जाना कि कौन सी गेंद छोटी है और बड़ी है, तो ये प्रश्न पूछेंगे। इस प्रक्रिया को और भी बच्चों के द्वारा बुलाकर दोहराएंगे और समझाएंगे कि आपने आसपास की वस्तुओं में छोटा बड़ा पता करना होगा तो उन्हें गौर से देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बच्चों को 2-2 के समूह में बांटकर बोलिए, कॉपी में अपने पसंद का कुछ चित्र बनाएं और अपने साथियों को दिखाएं। फिर पूछेंगे, दोनों चित्र में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। शिक्षक के लिए बिंदु क्या हो सकता है कि जिस समूह के बच्चे को छोटा बड़ा समझने में दिक्कत हो, उनकी मदद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होगा अभ्यास, तुम भी करो। ठीक है, इसमें समय रहेगा 10 मिनट। और यहाँ देख लेते हैं, शिक्षक श्याम पट पर कुछ फल सब्जी और फूल के 2-2 छोटे बड़े चित्र बनाएं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि कौन सी सब्जी बड़ी है, कौन सा फल छोटा है, ऐसा कोई एक चीज बताओ जो आज तुमने कक्षा में सीखी। क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? हाँ। कार्य पुस्तिका, कार्य पत्र सप्ताह 1/3 कराएं, पृष्ठ संख्या 15 पे शिक्षण योजना को दोहराएं। अच्छा, कार्य पत्र पूरा करने के बाद संदर्श का अभ्यास